गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे थे ऑयल सीड क्रॉप्स, है ना। ऑयल सीड क्रॉप के पेस्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहला पेस्ट पढ़ा था मस्टर्ड का, और ये भी क्या है, मस्टर्ड का ही पेस्ट है। तो मस्टर्ड में क्या है, हमने एफिड पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट था। इसके बाद आज जो हम पेस्ट पढ़ रहे हैं वो है मस्टर्ड सोफ्लाई, ठीक है, मस्टर्ड सोफ्लाई। अब ये जो पेस्ट है, ये मतलब क्या है, अगर बात करें तो जो कहते हैं ना अपवाद, उस टाइप से है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे इसका ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, पहले ऑर्डर की बात करेंगे, हाइमेनोप्टेरा, है ना। अब तक हाइमेनोप्टेरा का हमने एक भी पेस्ट नहीं पढ़ा है और ना ही आगे पढ़ेंगे। इसका रीज़न क्या है कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के मोस्टली सारे जो इंसेक्ट हैं वो क्या है, बेनिफिशियल है। सारे के सारे इसके अंदर जो इंसेक्ट आते हैं वो बेनिफिशियल है, यानी कि लाभदायक कीट है, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एज ए प्रीडेटर, ठीक है, प्रीडेटर, पैरासाइट, है ना, या फिर पैरासिटोइड, परजीवी, परजीवियाब, या फिर जो परभक्षी है उनके रूप में क्या है, ये काम करते हैं। तो ये क्या है, अपने को फ़ायदा करते हैं, अपने लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये ओनली एक पेस्ट है आपके सिलेबस के अंदर जो क्या है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का है और क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये ध्यान रखना इसको। अगर बात करें इस ऑर्डर के अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट की कि कौन कौन से आते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो हनी बी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर बात करें हनी बी, जो मधुमक्खी जो है वो इसी ऑर्डर के अंदर आती है और वो क्या है, हमें फ़ायदा करती है, जो पोलिनेशन होता है उसके अंदर। इसके साथ साथ पेपर वेस्प होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे वेस्प होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रीडेटर काम लेते हैं हम, तो ये क्या है, सारे बेनिफिशियल होते हैं। चलिए बात करेंगे अब साइंटिफिक नेम की। तो इसका साइंटिफिक नेम है एथेलिया प्रोक्सीमा लुजेंस, ठीक है, एथेलिया प्रोक्सीमा लुजेंस। फैमिली है इसकी टेन थ्री डिनीडी फैमिली है। ऑर्डर है इसका हाइमेनोप्टेरा, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का कोई भी और पेस्ट जो है आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए बात करेंगे होस्ट प्लांट्स की। तो ये भी क्या है, जैसे एफिड था जो सारे ऑयल सीड क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ये क्या है, ये भी जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनके अंदर नुकसान पहुंचाता है। मेनली जो है ये क्या है, मस्टर्ड के ऊपर इसको ज़्यादा पाया गया है इसका लॉस, इसलिए इसको मस्टर्ड सोफ्लाई बोलते हैं। प्लस क्या है कि ये जो क्रूसीफेरी जो है, अब मस्टर्ड की बात करें, कौन सी फैमिली की क्रॉप है, क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी फैमिली की और बाकी भी जो क्रॉप्स है, अगर बात करें वेजिटेबल्स के अंदर जो फूल गोभी, पत्ता गोभी या वगैरह होती है, उनके अंदर भी इनका नुकसान होता है। अब बात करते हैं इसके नेचर ऑफ डैमेज की, यानी कि नुकसान कैसे पहुँचाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर की। इस ऑर्डर की खास बात क्या है, इसमें भी क्या है, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। लाइफ साइकिल के अंदर क्या होती है, फोर स्टेजेस होती है, चार अवस्थाएं होती है, और नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज कौन सी होती है, लार्वल, या इसको, इसके लार्वा को ग्रब भी बोलते हैं कोलियोप्टेरा की तरह। तो ये क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज जो है वो क्या है, लार्वा या ग्रब है। तो चलिए बात करेंगे नेचर ऑफ डैमेज की। तो नुकसान कौन पहुँचाता है इसका, ग्रब। प्लस क्या है, इसके जो है वो बाइटिंग एंड चेमिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि काटने और चबाने वाले, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पत्तियां जो होती है, मेनली अगर बात करें कौन से पार्ट्स की, तो पत्तियां जो होती है लीफ को, ये क्या करते हैं, कट करते हैं, लीफ को जगह जगह से कट करके उसके अंदर छेद कर देती है, उस प्रकार क्या है, उसको नुकसान पहुंचाती है। अगर अर्ली स्टेज में, यानी कि क्रॉप जब हम लगाते हैं उस समय अर्ली स्टेज में अगर इसका अटैक हो जाए, तो बहुत जल्द जो है, यानी कि पूरी क्रॉप जो है उसको भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इससे क्या है, पत्तियाँ ये खा जाते हैं, उनको पत्तियाँ झड़ने लगती है और प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। मेक होल इन लीव्स, पत्तियों के अंदर क्या है, छेद कर देते हैं। प्लस क्या है, बिकम ड्राई, यानी पत्तियां जो है, लीव्स जो है वो बिकम ड्राई, यानी कहने का मतलब क्या है, सूखने लगती है। सूखने के बाद जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या है, कम हो जाती है, स्टंटेड, यानी कि प्लांट जो है वो छोटा रह जाता है, क्योंकि ग्रोइंग पॉइंट्स को खाएंगे तो क्या है, प्लांट की ग्रोथ जो है वो छोटी रह जाएगी, प्लांट की हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो सिंपल सा नेचर ऑफ डैमेज है, बाइटिंग एंड चेविंग टाइम माउथ पार्ट होते हैं, लीफ के अंदर बहुत सारे छेद कर देती है, ठीक है, काट, उसको काट के चबा के, और इससे क्या होगा, लीफ जो है वो सूखने लग जाती है और प्लांट की हाइट जो है वो कम रह जाती है। अर्ली स्टेज में नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा क्रॉप को लॉस हो जाता है। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल के अंदर
मैंने आपको बताया कितनी स्टेज होती है, चार होती है और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें भी, कोलियोप्टेरा की तरह, लेपिडोप्टेरा की तरह। तो फर्स्ट स्टेज है एग, एगलिंग इसकी जो होती है वो होती है लीफ टिश्यू के अंदर। अब लीफ टिश्यू की बात करें, मतलब मान लीजिए ये लीफ है, तो इस लीफ के अंदर क्या है, जो टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, यानी लीफ की ये जो लेयर होती है इसके नीचे, अब जो टिश्यू होता है यानी कि ऊपर से लेयर को हटा के उसके ऊपर बाद में क्या है, ये इसकी एगलिंग की जाती है, यानी कि लीफ टिश्यू के अंदर, ठीक है, विद इन लीफ टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या है दी जाते हैं, और प्लस क्या है रो के अंदर, एक फिक्स रो के अंदर ऐसे एग्स दिए जाते हैं इसके भी, जैसे हमने पढ़ा था किसके अंदर, जो मेज का स्टेम बोरर था, है ना, वैसे ही इसमें भी क्या है रो के अंदर क्या है दिए जाते हैं, एग्स दिए जाते हैं। अब इसके अलावा क्या है, ये कलर जो होता है इसका, पहले तो मिल्की वाइट यानी कि दूधिया सफ़ेद रंग होता है, और बाद में जो क्या हो जाता है ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, लेटर ब्लैक काले रंग में बदल जाता है। और इन रोज, ये मैंने आपको बता दिया, कतार के अंदर, रो का मतलब क्या होता है कतार के अंदर, यानी कि एक फिक्स लाइन जो है उसके अंदर ये एगलिंग होती है। इनकी साइज 2 mm के आसपास होता है, और एक फीमेल अपने लाइफ साइकिल में 30 से 60 यानी कि 30-60 एग्स जो है वो देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी अगली स्टेज की, लार्वा या ग्रब स्टेज। तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन ग्रे यानी कि हरे सलेटी, हरा सलेटी रंग होता है इसका, ठीक है, और हेड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, यानी कि बाकी बॉडी तो ग्रे या ग्रीन होगी लेकिन जो हेड होगा वो पूरा तरह से ब्लैक कलर का होगा, और सिलेंड्रिकल शेप यानी कि बेलनाकार होता है। कैसा होता है इसकी बॉडी, बेलनाकार बॉडी होती है। अब इसमें जो खास बात है इस लार्वा की वो अभी मैं आपको बताऊंगा। साइज होता है इसका 15-20 mm, स्टार्टिंग में छोटा होता है, जब ये एग से हैचिंग होने के बाद लार्वा निकलता है उस समय इसका साइज मुश्किल से 2-3 mm होता है, फिर जैसे जैसे मोल्टिंग होती है बाद में धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता जाता है, जब फुली ग्रो हो जाता है उस समय इसका साइज 15-20 mm के आसपास हो जाता है। अब बात करेंगे इसमें जो खास चीज़ है वो क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ लार्वा जो होता है वो बहुत टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोपोड बोल देते हैं, ओलिगोपोड, है ना, इनको यानी लेग्स के नंबर के आधार पर, पॉलीपोड यानी कि अगर बहुत सारे लेग्स हैं, तो मेनली आपने देखा होगा कोई भी लार्वा है, ठीक है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, मान लीजिए ये कोई लार्वा है, ठीक है, ये कोई लार्वा है। अब इस लार्वा में क्या, नॉर्मली हमने देखा होगा कि बॉडी जो है ये हेड हो गया, ये थोरेक्स और ये एब्डोमन, है ना, तो हम क्या देखते हैं नॉर्मली अगर बात करें किसी भी इंसेक्ट की, तो उसमें क्या होता है यहाँ पे, यानी कि जो थोरेक्स वाला हिस्सा होता है वहाँ पर क्या है, तीन कितने भागों में बटा होता है थोरेक्स, तीन भागों में, और तीनों भागों में क्या है एक एक जोड़ी लेग्स होती है, यानी कि 3 pairs ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि बाद में एडल्ट में धीरे धीरे और डेवलप हो जाते हैं, बाकी यही होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर बात करें मस्टर्ड सोफ्लाई में, इसमें क्या होता है कि एब्डोमन के जो 7 खंड यानी कि 7 भागों में बटा होता है, 7 खंडों में विभाजित होता है जो उधर होता है इसका एब्डोमन। अब ये क्या है, प्रत्येक खंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हर खंड में क्या है इसके लेग्स पाई जाती है, टांगे यानी कि एब्डोमिनल लेग्स भी प्रेजेंट रहती है। अब ये लेग्स जो हैं ये क्या है, यहाँ तो प्रेजेंट रहती है लेकिन जैसे ही ये एडल्ट में बदलता है उस समय ये सारे मोल्टिंग के साथ, लास्ट मोल्टिंग होती है उस समय जब प्यूपा में बदलता है तो ये झड़ जाती है, और सिर्फ ये जो इनको क्या बोलते हैं, इनको फॉल्स लेग्स बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रू लेग्स होती है जो बाद में एडल्ट में भी विद्यमान रहती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना 7 pairs ऑफ लेग्स पाई जाती है इसके अंदर। अब इसमें और क्या होता है, बॉडी के ऊपर 5 strips बनी होती है यानी कि धारियाँ होती है 5 black color की बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये इसकी पहचान है। फिर बात करेंगे प्यूपा की, ठीक है, अब प्यूपेशन इसका जो होता है वो कहाँ होता है, सॉइल के अंदर होता है। ये जो लार्वा है जब इसको प्यूपा में बदलना होता है तो ये 9-10 cm की गहराई पर सॉइल के अंदर जाता है, और वहाँ पे जाके ये क्या है, एक सिल्कन कोकून यानी कि रेशमी कोकून बनाता है जिसके अंदर ये प्यूपा में बदलता है। इसका साइज़ अगर बात करें तो लेंथ होती है 7-11 mm और इसकी विड्थ होती है 4-6 mm, ठीक है।
अब ये स्टेज जो है ये क्या, अगर विंटर सीजन के अंदर है, ठीक है, यानी कि सर्दियों का मौसम है, उस कंडीशन में ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, यानी कि ये शीतकालीन सुषुप्तावस्था में चली जाती है। अब मैंने आपको दो टर्म बताई थी, एक मैंने आपको बताया था हाइबरनेशन, एक मैंने आपको बताया था एस्टिवेशन, दो चीज़ बताई थी, निष्क्रियता भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, सुषुप्तावस्था भी बोल देते हैं। चलिए अपने सुषुप्तावस्था लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं हो गए आप, सुषुप्तावस्था, ठीक है। तो शीतकालीन हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, शीतकालीन सुषुप्तावस्था, यानी कि कम टेम्परेचर की वजह से है जो क्या है ये सुषुप्तावस्था में चला जाता है। अब क्या है नेक्स्ट, एडल्ट, यानी कि इससे जब इमर्ज हो गए एडल्ट निकल के आता है तो ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है, यानी कि रंग जो होता है इसका पीलापन लिए होते हैं और इसके ऊपर क्या है ब्लैक मार्किंग्स होती है, यानी कि काले रंग के धारियां होती है इसके ऊपर, ठीक है। विंग्स जो है, अब है तो ये पूरा येलोइश कलर का है ना, विंग्स जो है उनकी मार्जिन ब्लैक होती है, यानी कि विंग जो है मान लीजिए कि ये विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स है, तो इनकी ये वाली जो धारियां हैं बाहर वाली, सॉरी मार्जिन जो है वो क्या है इस पर ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की मार्जिन्स होती है, ठीक है। फिर है पार्थेनोजेनेसिस, अब ये क्या है इसकी, ये भी पाया गया एक रिसर्च के अनुसार कि इनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, जैसा हमने मस्टर्ड एफिड में पढ़ा है ना, उसमें भी होता है पार्थेनोजेनेसिस, उसमें तो विविपेरिटी भी होती है, इसमें विविपेरिटी नहीं होती। अब क्या है पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या, बिना निषेचन के एगलिंग, यानी कि ये बिना निषेचन के भी क्या है एगलिंग कर सकती है, लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि सिर्फ मेल्स ही जो एग्स दिए जाते हैं बिना निषेचन के, उनसे क्या है सिर्फ मेल इंसेक्ट बाहर निकलते हैं, यानी कि मेल पेस्ट निकलते हैं, इससे फीमेल है जो वो नहीं निकलती, जो निषेचित एग होते हैं उन्हीं से क्या है फीमेल का जन्म होता है। अब इसकी बात करें तो ये जो स्टेज है एडल्ट, ये एस्टिवेशन में रहती है। अब ये एस्टिवेशन क्या है, जैसे हाइबरनेशन शीतकालीन सुषुप्तावस्था है, वैसे एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, जो ग्रीष्मकालीन है ना, यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो डोरमेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं एस्टिवेशन। तो इसके अंदर दोनों पाई जाती है, प्यूपल स्टेज होती है वो किस में रहती है हाइबरनेशन में, एडल्ट स्टेज जो है वो किस में रहती है, वो रहती है एस्टिवेशन में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट अब इसके टाइम पीरियड की, तो लाइफ साइकिल में एग जो स्टेज होती है ये 4 to 27 days की होती है, इसके बाद लार्वल स्टेज आती है या इसको ग्रब भी बोल देते हैं। अब इसका लाइफ टाइम होता है 12 to 18 days, 12 से 18 दिन, इसके बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा से 10 से 12 दिन बाद फिर एडल्ट बनता है, और फिर बाद में एडल्ट जो है एडल्ट में जैसे ही रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बाद 2 to 3 days बाद वापस से एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। टोटल लाइफ साइकिल इसका होता है 28 to 60 days और एक साल में इसकी क्या है 5 generations इन ए ईयर इसकी पाई जाती है, ठीक है, लगभग ये हो गया इसका टाइम पीरियड। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, अब ये कुछ डायग्राम्स हैं जो इस पेस्ट को है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या है इसका लार्वा। अब लार्वा में अब देखिए, आपको मैं लेग्स की बात कर रहा था, ये जो आपको दिखाई दे रही है 1, 2, 3 ये क्या है, ये थोरेसियल लेग्स है, यानी कि ये क्या है बाद में भी ट्रू लेग्स है, ठीक है। अब बात करें अगर इनकी, एब्डोमन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है ना, तो 7 pairs ऑफ लेग्स क्या है इसके एब्डोमिनल जो खंड होते हैं, पार्ट होते हैं इसका, उधर जो विभाजित होता है प्रत्येक खंड पे क्या है एक एक जोड़ी जो है वो लेग्स पाई जाती है। ये इसका एडल्ट है, ऐसा दिखाई दे रहा है सबको, ग्रीनिश कलर का है ना, यानी कि हरे ग्रे कलर का होता है विंग्स। अब ये उसके ऊपर क्या है ब्लैक मार्किंग्स होती है और ये विंग्स जो है इसकी मार्जिन भी क्या होती है ब्लैक कलर की होती है। ये दिखाई दे रहा है सबको, इसके लार्वा के ऊपर ये मार्किंग है ना, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स धारियां पाई जाती है, और वैसे तो इसका कलर ग्रे है लेकिन हेड अगर आप देख रहे हो तो हेड क्या है इसका ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, यानी कि सुबह जल्दी जल्दी क्या होता है ये
पेस्ट बहुत से आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग के समय क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, इनका कलेक्शन करते हैं। और लार्वा है, लार्वा तो आसानी से हाथ से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको कलेक्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है होइंग बिटवीन लाइंस टू किल हिडन स्टेज, यानी कि अब क्या है, क्रॉप मान लीजिए ये दो लाइंस हैं क्रॉप की, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट्स है। अब ये बीच का जो स्पेस है, दो लाइन के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हिडन स्टेज है, यानी कि जो छुपी हुई इसकी अवस्थाएं हैं, वो क्या हो जाती है, किल हो जाती है। हम उसको किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ताकि बाद में ये प्यूपा से या फिर एडल्ट में ना बदल पाए, या फिर एडल्ट है तो वो आगे एगलिंग ना कर पाए, ठीक है। तो ये जो है इनको हम क्या करते हैं, होइंग के द्वारा, यानी कि निराई गुड़ाई करके इसको ख़त्म कर देते हैं। अब फिर बात करेंगे स्प्रे और डस्टिंग की। तो सबसे पहले डस्ट की बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मेलाथियन, कार्बेरिल या फिर थायडॉन, ये है 5% 5% एंड 2%, इनमें से किसी एक दवा का एक निश्चित मात्रा में 25 या 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्या करते हैं, फसल के ऊपर बुरकाव करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्रे की, ठीक है, स्प्रे की बात करें तो 150 से 200 लीटर वाटर के अंदर इनमें से किसी एक दवा का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। जैसे ये हो गया नुआन 76 cc या फिर क्विनोलफोस 25 cc है, इसकी 200 ml और इसकी 625 यानी कि 625 ml मात्रा जो है वो 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला के हम क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से इसको क्रॉप के ऊपर छिड़काव करते हैं, इसको मैनेज करने के लिए। इसके अलावा एक पैरासाइट है, जो क्या है, लार्वल पैरासाइट है, ये इसकी लार्वल स्टेज जो होती है इसके ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है, यानी कि ये क्या है, एक नेचुरल एनिमी है, ठीक है, नेचुरल एनिमीज की बात करें तो इसमें है एक्सक्रोड्स पॉपुलेनिसी, है ना, ये क्या है, ये इसके ऊपर लार्वल पैरासाइट है ना, यानी कि लार्वल जो स्टेज होती है उसके ऊपर ये परजीवी के रूप में रहता है और रह के उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ओके, ये आपका कंप्लीट होता है आज का पेस्ट। अब नेक्स्ट जो आपके इस क्रॉप में एक पेस्ट और बचा हुआ है, ऑयल सीड की अगर बात करें, और मेनली मस्टर्ड की, है ना, मस्टर्ड के अंदर ऑयल सीड में तो और भी है, तो इसको पढ़ लेना भी अच्छे से। और हाइमनोप्टेरा ऑर्डर का एकमात्र पेस्ट है, तो इससे पूछ भी लिया जा सकता है ना, या फिर अपने जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं वो कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, या फिर कौन सा ऑर्डर है जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा एज पैरासाइट, प्रीडेटर या पैरास्टोइड के रूप में काम लेते हैं, तो वो कौन सा होगा, हाइमनोप्टेरा। ओके, थैंक यू।